नमस्कार साथियों, मैं राहुल शर्मा दिशा एकेडमी में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको मालूम है कि हमारी अभी राज्य व्यवस्था की श्रृंखला चल रही है, जिसमें हमने भारत के संविधान के विकास के बारे में पढ़ा, जैसे वो दो भागों में डिवाइडेड है। पहला ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत जो अधिनियम पारित 1773 से लेकर 1853 को तक, तो उसको हमने पढ़ भी लिया है दो वीडियोज़ में और उनके क्वेश्चन आंसर्स भी हमने कर लिए हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि अभी ब्रिटिश ताज के अंतर्गत पारित अधिनियम 1858 से लेकर 1947 तक हम प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं और आज इनकी प्रश्नावली मैं आपके सामने लेके आया हूँ विद डिटेल्ड एक्सप्लेनेशंस के साथ, तो प्लीज़ वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा पहला सवाल है, किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई थी? तो आपके ऑप्शन है भारतीय परिषद अधिनियम 1861, भारतीय परिषद अधिनियम 1852, भारतीय परिषद अधिनियम 1909 और भारतीय शासन अधिनियम 1919। अब ये मैं बहुत अच्छी तरीके से आपको सारी चीज़ें समझा चुका हूँ, ठीक है। परिषद के बजट पर बहस करने की शक्ति कब प्राप्त हुई थी, तो वीडियो को पॉज कीजिए और इसका आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में कि इसका आंसर क्या होगा। आगे चलते हैं। देखिए इसका आंसर है उत्तर बी, मतलब भारत परिषद अधिनियम 1892। और ये क्वेश्चन आपके UPSC के प्री 2003 में भी आ चुका है, ठीक है। इसके तहत क्या हुआ था, बजट पर बहस करने की शक्ति हमें मिल गई थी, ठीक है, कार्यपालिका से प्रश्न पूछने का अधिकार भी हमें मिल गया था, लेकिन एक चीज़ क्या हुई थी, हमें मतदान करने का अधिकार लेकिन तब भी प्राप्त नहीं था। हम सिर्फ बोल सकते थे, अपनी बातें रख सकते थे, लेकिन मतदान नहीं कर सकते थे, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, किस अधिनियम द्वारा भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना हुई? तो भारत परिषद अधिनियम 1861, भारत सरकार अधिनियम 1909, भारत सरकार अधिनियम 1919 या नन ऑफ दी अबो। जैसा कि आपको याद होगा, अरे मैंने स्लाइड आगे कर दी, कोई दिक्कत नहीं है, इसका आंसर था डी, भारत में इसमें एक क्वेश्चन और मैंने ऐड किया था कि देखिए भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना जो है 1 अक्टूबर 1937 को भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत की गई थी। इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे, वो थे मैरिज गेयर, इनका नाम था मैरिज गेयर। तो ऊपर जो ऑप्शन दिए ना, इसमें से किसी में भी जो है 1935 का अधिनियम नहीं दिया, इसका मतलब ये है कि नन ऑफ दिया वो में इसका आंसर था। अब जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि मैंने जब आप लोगों को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत पारित अधिनियमों के बारे में पढ़ाया था, तो वहाँ पर भी एक न्यायालय की स्थापना के बारे में, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना के बारे में मैंने बात की थी। तो उसका आंसर आपको देना है कि किस अधिनियम में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई, प्लस इसके मुख्य न्यायाधीश का क्या नाम है, मुख्य न्यायाधीश इसमें कौन थे। तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है और ये वीडियो मैं यहाँ पर आई बटन में टैग कर दूंगा, तो ये आपको यहाँ पर मिल जाएगी, आप जाके देख सकते हैं। इस वीडियो में मैंने बहुत अच्छी तरीके से वहाँ पर समझाया हुआ है। तीसरे क्वेश्चन, केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत पारित किया गया था? 1909 के अधिनियम के अंतर्गत, भारत सरकार अधिनियम 1919 के अंतर्गत, भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत या भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947। यह स्लाइड ज़्यादा नीचे हो गई है, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें देखिए इसका जो आंसर है वो है 1935। तो मैंने आपको देखिए कल ही मैंने आपको बहुत अच्छी तरीके से शॉर्ट ट्रिक्स के बेसिस पे मैंने आपको समझाया था। देखिए केंद्र में द्वैध शासन जो था ना, वो 1935 में चालू किया गया था, द्वैध शासन केंद्र में 1935 में, क्योंकि यहाँ पर पहले 1919 में ये द्वैध शासन जो था ना, प्रांतों में लगा हुआ था। तो 1935 का जो अधिनियम था ना, उसमें हमने प्रांतों से हटा के इसको केंद्र में कर दिया था, ठीक है। प्रांतों में द्वैध शासन, ये देखो मैंने लिखा हुआ है 1919। और इसको याद करने की ट्रिक कैसी है भाई, 1919 दो लोग हैं ना, तो द्वैध शासन का मतलब क्या है, जब दो राजा शासक करते हैं, तो इसमें 19 कितनी बार आ रहा है, दो बार आ रहा है, तो द्वैध शासन की प्रांत भैया कहाँ से शुरुआत हुई, तो भैया वो शुरुआत हो गई आपकी 1919 से। अब कहाँ से प्रांतों में हुई और कहाँ से केंद्र में हुई कैसे समझोगे, तो भाई प्रांत अपन ऐसे लिखते हैं ना प्रांत, तो ये प्रांत देखो 9 जैसा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, तो आप समझ जाओ 1919 से प्रांतों में हुई है और 1935 से केंद्रों में हुई है। इसके तहत अब देखिए जो 1935 का जो शासन अधिनियम था ना, इसके तहत संघीय विषयों को दो भागों में बांटा था, कौन कौन से, आरक्षित और हस्तांतरित। ये भी मैंने आपको बताया था कल की वीडियो में, आरक्षित मतलब क्या होता है रिजर्व्ड, और हस्तांतरित मतलब होता है ट्रांसफरेबल सब्जेक्ट, ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट में बांट दिया गया था, है ना। चलिए आगे का हमारा क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, भारतीय विधानपालिका
प्रथम बार द्विसदनीय बनाई गई। तो ये क्वेश्चन देखो आपके यूपीपीएससी में आया हुआ है, मेंस में, 2008 के मेंस में क्वेश्चन आया हुआ है, तो समझ रहे हो आप इन क्वेश्चंस की कितनी इंपॉर्टेंस है। तो 1892 के भारतीय काउंसिल एक्ट द्वारा, 1909 के भारतीय काउंसिल एक्ट द्वारा, 1919 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा, या 1935 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा। अब वीडियो को पॉज करके आप आंसर दे सकते हैं यहाँ पर। इसका इसका आंसर है 1919 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा। ठीक है, अब देखिए ये वहाँ पर मेंस में क्वेश्चन आया था आपको, और ये जो था ना ये लेंदी क्वेश्चन में आया था, तो कम से कम अपन बड़े क्वेश्चन में नहीं तो 3 मार्क के हिसाब से तो मैं डील करके इसको आपको पढ़ा ही सकता हूँ। तो इसको अपन देखिए, अब ध्यान से सुनिएगा, ये इसकी PDF जो है ना, इसकी PDF मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा, तो वहाँ से आप इसकी PDF ले लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अभी ध्यान से सुन भी लीजिए, 1919 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा केंद्र में द्विसदनीय विधान परिषद की स्थापना की गई। ऊपरी सदन जिसको हम बोलते थे राज्य परिषद, और इंग्लिश में हम उसे बोलेंगे काउंसिल ऑफ स्टेट कहलाता था, जो 5 वर्ष के लिए होता था। इसका कार्यकाल कितना होता था? 5 वर्ष के लिए होता था, और उसके 60 सदस्यों में से 34 निर्वाचित और 26 मनोनीत होते थे। मतलब मनोनीत मतलब निर्वाचन नहीं होता था, और 34 पे इलेक्शन होते थे। ठीक है, अब आगे चलते हैं। तो निचला सदन, अब एक एक होता है अपर हाउस, एक होता है लोअर हाउस, तो ये लोअर हाउस की बात हो रही है यहाँ, निचले सदन की। केंद्रीय विधानसभा बोलते थे उसको, हम बोलते हैं सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, इसका कार्यकाल भाई 3 वर्षों का रहता था, और इसके सदस्य होते थे 144। अब 144 में से तो जो 104 सदस्य होते थे ये तो होते थे हमारे निर्वाचित, और जो 40 सदस्य होते थे ये हमारे होते थे मनोनीत। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे पांचवें और आखिरी क्वेश्चन के लिए। किस अधिनियम द्वारा संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत प्रवक्त किया गया? ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, MPPSC प्री में, देखिए आप 2017 में MPPSC प्री में आया हुआ है। चलिए पहले इसके ऑप्शंस देखते हैं। 1909 का भारतीय काउंसिल अधिनियम, 1919 का भारत सरकार अधिनियम, 1935 का भारत सरकार अधिनियम, या 1947 का स्वतंत्र भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। अब देखिए ये जो क्वेश्चन था ना 2017 में आ चुका है, आप लोगों को मालूम होगा कि MPPSC जो है ना ये क्वेश्चंस को रिपीट नहीं करती। कोई भी किसी भी स्टेट की PSC होती है ना भाई, वो क्वेश्चन रिपीट नहीं करती, लेकिन उसके आसपास के डेटा के थ्रू वो क्वेश्चन उठा सकती है, इसलिए मैं इसको डिस्क्राइब आपको करूँगा। ठीक है, बात करते हैं 1935 के भारत सरकार अधिनियम की। यह अधिनियम ब्रिटिश संसद द्वारा सर्वाधिक विस्तृत अधिनियम था। मैंने आपको जैसे प्रीवियस वीडियो में बताया था कि जो 1935 का जो अधिनियम है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, विस्तृत अधिनियम था, साथ ही ये भारत के लिए तैयार संविधान प्रस्तावों में से सबसे जटिल दस्तावेज था। तो भारत के लिए भैया जो भी संविधान, जो भारत के लिए तैयार जो भी संविधानिक प्रस्ताव थे ना, उसमें सबसे जटिल दस्तावेज मतलब सबसे इम्पोर्टेंट था। ठीक है, इस अधिनियम में भारत संघ की स्थापना हुई, भारत संघ की स्थापना इसी अधिनियम के अंदर हुई। ठीक है, संघीय न्यायपालिका, केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन आदि की व्यवस्था की गई। मतलब इसमें देखिए, इस अधिनियम में भारत संघ की स्थापना, भारत संघ की स्थापना, संघीय न्यायपालिका, केंद्र और राज्यों में के मध्य जो शक्तियां थी उनका बंटवारा, ठीक है, ये सारा का सारा जो है ना, ये आपको 1935 के अधिनियम में हुआ, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, इसको बहुत अच्छे से पढ़िएगा। और देखिए यहाँ पर मैंने एक इम्पॉर्टेंट बात जो कि दूसरे पेन से मैंने इसलिए लिखी है क्योंकि ये अभी भी लागू होती है। भारत का वर्तमान संवैधानिक ढांचा बहुत कुछ 1935 के अधिनियम पर आधारित है। तो आप इसकी इम्पोर्टेंस समझ सकते हैं कि कितना इम्पोर्टेंट है ये। तो इस वीडियो का जो लिंक है ना, वो मैंने आई बटन पे डाल दिया है प्रीवियस वीडियो का, तो आप प्लीज़ यहाँ से जाकर इस वीडियो को देखिए। मैंने बहुत ही अच्छी तरीके से, बहुत शॉर्ट नोट्स के फॉर्म में, बहुत अच्छी तरीके से सारे डिटेल्स में मैंने वहाँ पर चीज़ों को समझाया हुआ है, तो प्लीज़ वहाँ पर जाके देखिए। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाइक कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, मेरी वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, सॉरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अभी नया हूँ ना सब, तो ये सब सारी चीज़ें मुझे इतने अच्छे से बोलना आती नहीं है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, हमें इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे आप लोग दिशा एकेडमी को सपोर्ट कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी गई है। फेसबुक पेज दिशा एकेडमी का बना दिया गया है, तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में उसकी भी लिंक है, फेसबुक पेज को भी आप
जाके फॉलो कीजिए, ठीक है। शेयर ज़रूर किया कीजिए दोस्तों वीडियो को, और लाइक ज़रूर किया कीजिए। मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ कि शेयर जब आप करते हैं ना, तो ये वीडियो कहीं ना कहीं ऐसे लोगों तक भी पहुँच जाती है जो अभी असहाय हैं, जिनके पास ना तो किताबें हैं ना ही उनके पास इतना पैसा है कि वो लोग बड़ी कोचिंग्स को फॉलो कर सकें, तो ये जो वीडियो है ना वो देख के बहुत कुछ सीख सकते हैं। दूसरा, लाइक वीडियो को इसलिए किया कीजिए, आप वीडियो को जितना लाइक और कमेंट करेंगे ना, उससे मुझे प्रोत्साहन मिलेगा, मुझे भी तो मालूम चलना चाहिए ना कि मेरा काम कैसा है, क्योंकि अपना काम तो हर इंसान की नज़रों में अच्छा ही होता है, अपना काम, खुद का किया हुआ काम हर इंसान की नज़रों में अच्छा होता है। तो जब आप मुझे बताएंगे कि कैसा मैं कर रहा हूँ अपने लाइक्स के और अपने कमेंट्स के ज़रिए, तब मैं उस चीज़ को समझ पाऊँगा। अगर मुझे कुछ चीज़ सुधारने की ज़रूरत है तो वो भी आप मुझे बताइए। और आपको मैं बता देता हूँ कि शॉर्ट ट्रिक्स की भी मैंने एक वीडियो डाली हुई है, मेरी शॉर्ट ट्रिक्स की एक मैंने वहाँ पर अब एक सीरीज चालू कर दी है, ठीक है, जिसका मस्ती की रेलगाड़ी नाम है। तो मस्ती मस्ती में दो दो तीन तीन मिनट के वीडियो रहेंगे वहाँ पे, शॉर्ट ट्रिक्स के थ्रू आप काफ़ी सारी चीज़ें सीख सकते हैं। इन्हीं बातों के साथ मैं लेता हूँ आपसे विदा। जय हिंद, जय